अब की बार चांद के पार। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है और भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। दुनिया फिर देखेगी हिंदुस्तान का दम। चंद्रयान 3 मिशन का शुरू हुआ काउंटडाउन। चांद फतह करने की तैयारी पूरी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक बार फिर से इतिहास बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है। बहुत बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए उड़ान भरेगा। भारत के चंद्रमा मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मिशन चांद पर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद को फतह किया है। पूरा देश चंद्रयान की लॉन्चिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसरो ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है क्योंकि ये इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी। स्पेसक्राफ्ट के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी कोशिश है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भारत सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा जिसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन 640 टन है। इसकी लंबाई 43.5 है। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था जिससे लैंडर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता अभी भी सबके जहन में है लेकिन उस असफलता को दरकिनार रखते हुए इसरो अब इतिहास बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत अपना चांद का मिशन फतह कर लेगा। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है जिसमें 6 पहिए लगे हैं। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चांद की सतह पर इसके 14 दिनों तक काम करने की उम्मीद है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारियां मिलेंगी। पूरे मॉड्यूल का वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसा होगा लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित कराने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। यानी कुल पेलोड 3 टन का है। अब जानते हैं चंद्रयान कैसे चांद के सफर पर जाने वाला है। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के बाद चंद्रयान अंतरिक्ष की तरफ बढ़ेगा। कुछ देर बाद इसमें लगे 2 रॉकेट अलग हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाते हुए रफ्तार तेज हो जाएगी। दूसरी स्टेज के रॉकेट अलग हो जाएंगे। फिर तीसरी स्टेज के रॉकेट से यान की स्पीड और तेज हो जाएगी और चंद्रयान 3 लॉन्चर से अलग हो जाएगा। चंद्रयान के सैटेलाइट पैनल खुलेंगे। फिर यान धरती की कक्षा के चक्कर लगाना शुरू करेगा। कई चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान अपनी कक्षा बदलेगा। फिर यह चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा और चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू करेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। उसके बाद चांद पर लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑर्बिटर लैंडिंग के लिए चांद की जमीन की स्कैनिंग करेगा और लैंडर में लगे कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेंगे। फिर कुछ ही देर बाद चंद्रयान 3 चांद में लैंड करेगा। धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है और इसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जा रहा है
क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करने वाला है। ऑर्बिटर के साथ न होने की वजह से किसी अनहोनी से बचा जा सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा भी। मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। चंद्रयान लैंडिंग एरिया के पास चंद्रमा की सतह की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगा। लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र लूनर सिस्मिसिटी और लूनर सरफेस प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी के लिए उपकरण ले जाएगा। काफी वक्त से चंद्रयान 3 के जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्चिंग की बात की जा रही थी। अब मिशन को लॉन्च करने की घड़ी बेहद ही नजदीक आ चुकी है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। सभी का मकसद एक ही है और वो है चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी ही नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। किसी भी यान की चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्षयान की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरता है। वहीं दूसरी हार्ड लैंडिंग होती है, इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। मिशन चंद्रयान के तहत नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना भी अहम उद्देश्य है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मजबूत इरादे वाले अतीत में चुभे कांटों की परवाह नहीं करते। कुछ इसी जज्बे के साथ हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने के अपने तीसरे मिशन के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 से कितना अलग है चंद्रयान 3, इस रिपोर्ट में देखिए। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्वड अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंटली द कम्युनिकेशंस फ्रॉम द लैंडर टू ग्राउंड स्टेशन वाज लॉस्ट। मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपेल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्शन ज्यादा था, तो डिस्पर्शन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्शन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्शन ज्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। रोवर, ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है, मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है। हैवीयर है तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को निकाल दिया और साइड के 2 इंजन है उससे हम उसे नीचे उतारेंगे। दूसरा इसका जो इंजन था, तो जिस इंजन से हम नीचे उतारेंगे जिसका कंट्रोल हो सकता है, ये हमने चेंज किया। तीसरा उसके लेग्स से,
लैंडर के ले गए, आपने चार ले गए, तो उन लेग को काफ़ी मजबूत कर दिया। पहले क्या था कि जब वो नीचे लॉन्च नीचे लैंड होगा तो 2 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड से लैंड होता है, तब तक वो टॉलरेट कर सकता था, अदरवाइज वो उसके लेग क्रश हो जाए। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसका वजन 2148 किलोग्राम है, लैंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वाट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वाट की थी, वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वाट की है। ये जब लैंडर लैंड हो जाएगा और बाद में उसको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट अभी दो तरह से होगा। एक तो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उससे भी कम्युनिकेट हो सकता है, लैंडर अपने आप पृथ्वी से कम्युनिकेट कर सकता है, और तीसरा वो हमारा ऑर्बिटर है, उससे भी कम्युनिकेशन भी बढ़ गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV MK-3 M1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 को ही क्यों चुना? इसे ऐसे समझिए, LVM-3 के जरिए चंद्रयान 2 समेत 6 लॉन्च किए गए हैं और हर एक लॉन्च सफल रहा है, मतलब सफलता 100%। तो इसरो ही नहीं, देश के हर शख्स को कल यानी 14 जुलाई का बेसब्री के साथ इंतजार है। इस खास दिन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है और इस खास मिशन की कमान भारत की रॉकेट वुमन दिग्गज वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिथाल श्रीवास्तव के हाथों में है। वे चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं और रितु करिथाल लखनऊ की रहने वाली है और यहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उनके इस उपलब्धि पर लखनऊ विश्वविद्यालय भी गर्व महसूस कर रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी स्टूडेंट और इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है वो, और इतने जिम्मेदार काम को आगे करने जा रही हैं, और मेरी पूरी बेस्ट विशेज है उनके साथ कि इस काम में उन्हें पूरी सफलता मिले और आगे बहुत तरक्की करें। रितु करिथाल की जो पोजीशन आज देश में है, जिस तरह से वो फ्रंट लाइन में लीड कर रही हमारे इसरो के मिशन को, बहुत ही न सिर्फ मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ बल्कि पूरा का पूरा विभाग उनके लिए गौरवान्वित है। वो हमारे लिए एक प्राइड का विषय है। तो रितु करिथाल लखनऊ की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि जो उनके तमाम टीचर्स हैं और जानने वाले हैं, उनका कहना है कि रितु करिथाल बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ओबीडियंट थी, एक साइंटिफिक अप्रोच रहता था, आसमान पर देखा करती थी, वो जो भौतिकी के राज हैं उनको जानना चाहती थी और उनका हमेशा से सपना था एक साइंटिस्ट बनने का, जो कि उन्होंने पूरा किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से इसरो तक का सफ़र तय किया है। अब चंद्रयान 3 की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और रितु करिथाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जिसको लेकर सभी लोग गर्व महसूस करते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ निधि दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।